हेलो डियर व्यूवर्स, जैसे हमने कल पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम, डाइकॉट सिस्टम में जो हमने कल पढ़ा था उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने कट किया था। उस ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हमने देखा कि इसकी हिस्टोलॉजी, मतलब कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द डाइकॉट सिस्टम, सबसे पहली लेयर जो हमने देखी थी उसको मैंने बताया था जिसका द एपिडर्मस। एपिडर्मस के ऊपर से जो लेयर होती है जिसको हमने क्या बताया था, एक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के ऊपर से कुछ आउट ग्रोथ्स आते हैं जिनको हम बोलते थे ट्राइकोम्स, ठीक है बेटा। उस एपिडर्मस के नीचे जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज मेनली मेड ऑफ द थ्री पार्ट्स। पहला है बेटा हाइपोडर्मस, दूसरा है बेटा पैरेन्काइमेटस सेल्स, थर्ड है बेटा एंडोडर्मस। और एंडोडर्मस मैंने आपको बताया था, एंडोडर्मस एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्टार्च स्टोर रहता है, इट्स आल्सो कॉल्ड द स्टार्ची लेयर। बिलो द एंडोडर्मस जब मैंने बात की थी मैंने आपको बताया था इसके नीचे आता है पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल में दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिकुलर एनकाइमेटस, दूसरे को हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो दो वेस्कुलर बंडल जो मैंने आपको बताए थे कल, जो वेस्कुलर बंडल उनमें फोलियम और जाइलम होता था। इन आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल यानी टूवर्ड्स द आउटसाइड, टूवर्ड्स द अपर साइड, वहां दो सिकुलर काइमेटस सेल्स के झुंड थे, ठीक है। उन दोनों के बीच क्या था, पैरेन्काइमेटस सेल्स। आफ्टर व्हेन दिस पैरेन्काइमेटस सेल्स ग्रो दे स्क्यूज बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स इन द फॉर्म ऑफ द इलॉन्गेटेड शेप एंड एट लास्ट दे फॉर्म द मेडुलरी रेज, ठीक है। देन मेडुलरी रेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पिथ। पिथ मैंने आपको बताया था इट इज अ स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट एंड द पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है बेटा। जो हमें आज पढ़ना है यह है कि जो मैंने कल आपको बताया था डाइकॉट सिस्टम में जो वेस्कुलर बंडल्स होती है, ठीक है बेटा, वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है प्लांट में, सिस्टम की हम बात करें या रूट की बात करें, पर्टिकुलरली इन द डाइकॉट्स, पर्टिकुलर इन द डाइकॉट सिस्टम की हम बात करें या डाइकॉट रूट की हम बात करें, इसमें एक ग्रोइंग टिश्यू होता है डेट हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ, डेट हेल्प इन द सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम, क्या बोलते हैं, इज इट क्लियर। ये जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है, ठीक है बेटा। हायर जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट सिस्टम की बात करें हम, डाइकॉट रूट की बात करेंगे। मैंने आपको बताया जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है इट इज द ग्रोइंग टिश्यू इन द प्लांट्स, द ग्रोइंग टिश्यू इन द, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इट प्रोड्यूस द सेकेंडरी जाइलम इनवर्ड्स, इट प्रोड्यूस द सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स द पिथ, टूवर्ड्स द, क्योंकि पिथ कौन सा पार्ट होता है, इट इज बिलो द एपिडर्मस, इट इज बिलो द, यानी इनसाइड द एपिडर्मस जो पार्ट होता है मिडिलरी से नीचे जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ। ये सेकेंडरी जो ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है, वेस्क्यूलर कैम्बियम का फंक्शन होता है कि ये सेकेंडरी जाइलम को बनाता है, लेकिन किस साइड से बनाता है, टूवर्ड्स द पिथ, और ये सेकेंडरी फोलियम को बनाता है टूवर्ड्स द आउटसाइड, that's called towards the bark, towards the, is it clear? So the function of the vascular cambium is, the function of the vascular cambium is to produce the secondary xylem towards the pith and produce the secondary folium towards the bark. यानी outside में ये bark को बनाता है, inside में किसको बनाता है, inside में secondary xylem को बनाता है, is it clear? अब ये जो vascular bundles है, इस टॉपिक में हमें देखना है कि जो वेस्कुलर बंडल है इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ दे आर, इस बिना पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल। जो पहले मैंने आपको बताया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये कॉन्जॉइंट का मतलब है व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर। व्हाट इज कॉन्जॉइंट, conjoint means when xylem and phloem are present in the same radius, in the same, यानी एक ही radius पे जब xylem और phloem present होगा, date arrangement of the vascular bundle is called the conjoint vascular bundle. Is clear बेटा? What's conjoint vascular bundle? When xylem and phloem they are present, their arrangement is on the same radius. Their arrangement is on the same. We call date vascular bundle conjoint vascular. यहाँ देखो बेटा, यहाँ phloem, नीचे phloem, यहां फ्लोएम और यहां डेट मीन्स फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, इज इट क्लियर बेटा, और जाइलम आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, आर यू गेटिंग, ठीक है बेटा। फ्लोएम एंड जाइलम दे आर प्रेजेंट टुगेदर एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। दूसरा है हमारा डेट इज कॉल्ड द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्क्यूलर
रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो रेडियल अरेंजमेंट होता है किनका, वेस्कुलर बंडल का, यहां पर जाइलम और फ्लोएम जो होता है दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली, दे आर प्रेजेंट बट ऑन द डिफरेंट रेडी, बट ऑन द डिफरेंट कॉन्जेंट में क्या था, ऑन द सेम रेडी, ऑन द सेम रेडियल में क्या होता है बेटा, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडी। यहां देखो ये मैंने एक वेस्कुलर बंडल को बनाया, वेस्कुलर कैम्बियम मान लो, ये वाला जो ये क्या है जाइलम, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है जाइलम फ्लोएम, ठीक है बेटा बातें सम, ये जाइलम ये फ्लोएम है, ये वाला भी फ्लोएम है, ठीक है बेटा ये वाला भी फ्लोएम है, यहां पर जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडी, दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, एक के बाद पहले जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, क्या बोलते हैं कोलेटरल वेस्कुलर। यहां पर क्या होता है, हियर फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटर साइड, यहां फ्लोएम कहां की तरफ होता है, आउटर साइड मीन्स टुवर्ड्स द बार्क, टुवर्ड्स द एपिडर्म, एंड जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनसाइड। जब हम जाइलम की बात करेंगे, जाइलम इनसाइड की तरफ है, देन इट इज कॉल्ड द एंडार्क अरेंजमेंट, इज इट क्लियर, जो मैंने आपको बताया एंडार्क एंड X-arc. What is endarc? When xylem is present towards the inside. What is X-arc? बात आई बड़ा समझ में, यहां पर फ्लोएम क्या होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बात आई बड़ा समझ में, चलो ठीक है। फोर्थ टाइप क्या है, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। ये बात याद रखना, ये ओपन टाइप जो वेस्कुलर बंडल है, यहां पर जो कैम्बियम होता है, यहां पर जो कैम्बियम होता है, ठीक है, ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहां देखो, दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान क्या है, कैम्बियम। जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ओपन टाइप। व्हाई इट इज कॉल्ड द ओपन टाइप, व्हाई इज कॉल्ड द, यहां देखो ओपन टाइप हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओपन का मतलब है यहां पर कि ये रेडी रहता है फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अगर हम बताएंगे क्लोज, अगर हम बताएंगे क्लोज का मतलब है डेट इज नॉट रेडी, डेट गेट्स क्लोज नाउ नॉट रेडी फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, इसका मतलब है जाइलम और फ्लोएम में जब कैम्बियम एब्सेंट होगा उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या है, डेट इज नॉट रेडी फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन टाइप का मतलब है डेट इज ओपन, डेट इज रेडी फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इतना क्लियर हुआ, व्हाट इज ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल, when cambium is present between phloem and xylem, yeah, xylem and phloem, why this is called the open, the open mean is it is ready for the secondary growth, and this open type is the main future for the dicotyledons, this open type is the main future for dicot, aur ye wala jo hai iske baad ye open hai, open ke baad hi hamara kya close, yahan dekho beta closed type vascular bundle, closed type vascular bundle, यहां देखो यहां पर फ्लोएम और यहां पर जाइलम, मीन्स कि इनके दरमियान कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम इज एब्सेंट, सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड, कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, नाउ इट इज नॉट रेडी फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज नॉट रेडी फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है बेटा, इट इज करेक्ट टू फ्यूचर ऑफ द मोनोकॉट सिस्टम, इस चीज को याद रखना बेटा, फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहां की तरफ देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर, क्लियर बेटा। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट के सिस्टम और प्लांट के रूट में, जिसका फंक्शन होता है कि ये प्लांट के ग्रोथ को करता है, ठीक है बेटा। सेकेंडरी जाइलम को ये टुवर्ड्स द इनसाइड यानी टुवर्ड्स द पिथ बनाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है टुवर्ड्स आउटर साइड यानी टुवर्ड्स बार्क बना लेता है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको बताया जो वेस्कुलर बंडल होता है, ये जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, इसका मतलब है कि हाउ द जाइलम एंड द फ्लोएम आर अरेंज्ड, क्लियर, हाउ द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड, उस अरेंजमेंट की बुनियाद पर, उस अरेंजमेंट की बुनियाद पर
हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेस्टिकुलर बंडल देखेंगे। पहले को मैंने आपको बताया क्या कंजॉइंट, व्हाट्स कंजॉइंट, यह देखो बेटा कंजॉइंट का मतलब है व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बताया रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट का मतलब है व्हेन जाइलम इज जाइलम एंड द फ्लोएम दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली एंड ऑन द डिफरेंट रेडियस, पहले जाइलम फिर फ्लोएम, पहले जाइलम फिर फ्लोएम, इस किस्म के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब है व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटर साइड एंड जाइलम इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ओपन टाइप, ओपन टाइप का मतलब है कि जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा उस किस्म के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब यहां पर है बेटा कि जो रेडी होता है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ खत्म नहीं हो सकती है एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट सिस्टम्स। इसी तरह से इसका जो अपोजिट है वो क्या है क्लोज टाइप, क्लोज टाइप का मतलब है ये क्लोज हुआ है अब ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता है, इसका मतलब है कैम्बियम जो है कैम्बियम इज एसेंशियल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, यहां पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े रहते हैं कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसका मतलब है दे आर नाउ क्लोज्ड फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर बेटा बात आई समझ में। वेस्कुलर बंडल का और एक अरेंजमेंट होता है जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल वेस्कुलर बंडल, क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रल वेस्कुलर बंडल। सेंट्रल वेस्कुलर बंडल के दो किस्म होते हैं, सेंट्रल का मतलब है कि हमें इसमें देखना है क्या जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर है या फ्लोएम टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। अगर जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड होगा और फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड होगा तो उस किस्म के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एम्फीसेरेबल, क्या बोलते हैं एम्फीसेरेबल का मतलब है जब जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है बेटा। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है एम्फीवर्सल, क्या है बेटा एम्फीवर्सल का मतलब है यहां पर जाइलम आउटसाइड होता है और फ्लोएम इनसाइड होता है, ठीक है। सो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल के और दो अरेंजमेंट है, एक है एम्फीसेरेबल दूसरा है एम्फीवर्सल। एम्फीसेरेबल का मतलब है जाइलम इनर साइड एंड फ्लोएम आउटर साइड, उसका मतलब है कि जाइलम आउटर साइड एंड फ्लोएम इनर साइड। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल जो हम किन में देखते हैं डाइकॉट सिस्टम्स में, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने एक बताया था आपको जो क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल आता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकॉट सिस्टम्स का, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ आपको, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर of the botany we will discuss about the monocot system, monocot system. This was all about the dicot system aur uske baad ye tha hamara vascular bundle ka arrangement kya hota hai uske types humne padhe, theek hai beta. Inshallah I will revise it in the next lecture. So for the next lecture best of luck.